अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बब। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का सिविलियन हसास इदारों का अरकान पार्लियामेंट के सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाली सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में कुछ अरकान पार्लियामेंट के मुंसलिक होने पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी मॉनिटरिंग का बड़ा फैसला किया गया। सराय का बताना है कि सिविलियन हसास इदारों को अरकान पार्लियामेंट की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया गया है। इदारों को अरकान पार्लियामेंट की लोकेशन, कॉल डेटा और नकलो हरकत की मॉनिटरिंग का कहा गया है। सराय के मुताबिक वजीर आजम ने सिविलियन हसास इदारों को सिंध हाउस की भी सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत की है और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। ख्याल रहे कि इससे कबल जराये के जरिए सियासी कमेटी के इजलास से ये बात भी सामने आई। वजीर आजम का कहना था कि सिंध हाउस को हाउसिंग ट्रेडिंग का बाजार नहीं बनने देंगे। ड्रामा रेटिंग के लिए खवातीन को थप्पड़ मारने का तस्वुर खत्म करना चाहिए। सीनियर अदाकार और मेजबान समीना पीरजादा पाकिस्तानी ड्रामों में खवातीन पर बढ़ते तशद्दुद के खिलाफ फट पड़ी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर निजी टीवी के ड्रामे का एक वीडियो क्लिप ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें शौहर बीवी पर मां के सामने हाथ उठाता है, जिस पर मां कुछ नहीं बोलती। सोशल मीडिया साफ़ी ने जहां ड्रामे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, वहीं अदाकाराओं को भी बुरा भला कहा। इस मौके पर समीना पीरजादा ने भी ट्विटर पर ड्रामों में खवातीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई। अदाकारा ने लिखा कि ड्रामों में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद दिखाने का इल्ज़ाम सिर्फ अदाकाराओं पर ही नहीं बल्कि ड्रामा बनाने में शामिल हर फर्द पर है। हमें इस तसव्वुर को रोकना होगा कि अगर सीन में खवातीन को थप्पड़ मारा जाए तो ड्रामे की रेटिंग में इजाफा होगा। अदाकारा ने आखिर में ये भी कहा कि तशद्दुद से नहीं बल्कि ड्रामे के मवाद से रेटिंग में इजाफा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि टीवी ड्रामों में खवातीन पर तशद्दुद को मामूल बनाना बंद करें, तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मेरी आवाज़ बाबर को पहुंचा दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की मदा ने उनसे शादी की ख्वाहिश कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी पर बाबर की मदा ने उन्हें शादी की पेशकश की। नेशनल स्टेडियम के बाहर से एक लड़की की वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, जिसमें लड़की बाबर आजम से मिलने की भी ख्वाहिश कर रही है। वीडियो में कप्तान की मदा मुसलसल कह रही है कि मुझे किसी तरह बाबर आजम से मिलवा दें, मेरी ये आवाज़ अभी उन्हें पहुँचा दें। लड़की की इस बात पर कैमरे के पीछे से आवाज़ आती है कि बाबर आजम से मुलाकात करके आप क्या करेंगी, जिस पर खातून ने जवाब दिया कि मैं उनसे शादी करूंगी। लड़की के इर्द गिर्द कुछ मनचले भी मौजूद थे, जिनमें से एक ने उसकी ये ख्वाहिश जानने के बाद बाएवाज बुलंद नारा लगाया कि मुश्किल है। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, शुरुका को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। विफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने तकरीब से खिताब में शुरका के जानिब से डीजल के नारे मारने पर शुरका को रोक दिया। तकरीब से खिताब में फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को छोटा डॉन पुकारते हुए कहा कि छोटा डॉन कहता है कि मुल्क में कौमी हुकूमत बनाओ जिसमें पीटीआई ना हो। उन्होंने कहा कि अकल के अंधे कहते हैं डाकुओं की हुकूमत बनाओ जो चोरों को बचाए। सब जानते हैं कि बैनुल अक्वामी साम्राज्य के एजेंट कौन हैं, अपने बच्चों को डाकुओं और चोरों के हवाले नहीं करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध हाउस में बोलियां लग रही हैं, लोग अपना जमीर बेच रहे हैं। इस मौके पर शुरका ने डीजल के नारे लगाए, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि डीजल कहने से मना किया है, डीजल ना कहें। वाज़े रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों जलसे से खिताब में कहा था कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फजल रहमान को डीजल ना कहें। दार हुकूमत में बदअमनी हुई तो वज़ीर दाखला से डीसी तक सब जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतमिनुल्लाह का कहना था कि अगर वफाकी दार हुकूमत में बदअमनी हुई तो वज़ीर दाखला से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार खातून शहरी आसमा मलिक की जानिब से पीटीआई और दीगर सियासी जमातों को डी चौक पर जलसे से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। शहरी आसमा मलिक का कहना था कि इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज और तसादुम का खदशा है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के एहतजाज से झगड़े होंगे। पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के डी चौक पर एहतजाज को गैर कानूनी करार दिया जाए। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि किसी शहरी या पार्टी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकते, ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी है। अदालत खतरात को भांपने का काम नहीं कर सकती। अगर बदअमनी हुई तो वजीर दाखला से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे।
अदालत ने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी वजारत दाखिला और इंतजामिया की करार देते हुए खातून चेहरे की दरख्वास्त निपटा दी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट बार भी तहरीक अदम एतमाद वाले रोज किसी भी किस्म के तसादुम से बचने के लिए आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुकी है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद कराची हैदराबाद ठट्टा सकर से बयक वक्त शाय होने वाला बड़ा अखबार दिन भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ अचानक स्क्वाड से अलहदा क्यों हो गए। कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ आर्जी तौर पर कौमी स्क्वाड से अलग हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ बेटी की शादी की वजह से कौमी टीम से अलहदा हुए हैं। पीसीबी का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ लाहौर टेस्ट के दौरान दोबारा स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। वाजह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 21 मार्च से लाहौर में खेला जाएगा। इससे कबल सीरीज के खेले गए रावलपिंडी और कराची के टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। पाकिस्तान में पहला रोजा कब होगा महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने यकम रमजान मुबारक 3 अप्रैल को होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रमजान मुबारक का चांद 29 शाबान बरोज हफ्ते 2 अप्रैल को नजर आने की वाज़ह इम्कान हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 अप्रैल को मतला साफ और कहीं कहीं बादल छाए रहने का इम्कान है। ख्याल रहे कि इससे कबल सऊदी एमिरेट सोसाइटी के चेयरमैन और अरब यूनियन बराए फल्कियात के रुकन डॉक्टर अल इब्राहिम अल जरवान ने ऐलान किया था कि सऊदी अरब में रमजान का चांद 1 अप्रैल को नजर आने का इम्कान है और पहला रोजा 2 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगा। एक्शन के डर से लोटे जाहिर होना शुरू हो गए। विभागीय वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने कहा कि एक्शन के डर से लोटे जाहिर होना शुरू हो गए। जुमेरात के रोज ट्वीट पैगाम में कहा कि पिछले 5 लोगों को 15 से 20 करोड़ मिले, खचरों और घोड़ों की मंडियां लग गई। उन्होंने कहा कि बास अमीर होते तो इस्तीफा देते। स्पीकर को इन जमीन फरोशों को ताउमर ना अबले कदर देने की कार्रवाई करनी चाहिए। हुआ चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमत के सिंध हाउस पर इल्जामात के बाद अब ये बात सामने आई है कि पीटीआई के एमएनए हजरत वहां मौजूद हैं, राजा रियाज और नूर आलम सिंध हाउस में मौजूद हैं। सीनियर सहाफी को इंटरव्यू भी दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद 80 करोड़ डॉलर्स की फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को मजीद 80 करोड़ डॉलर्स की फौजी इमदाद देने का ऐलान कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बुध के रोज यूक्रेनी सदर की अमेरिकी कांग्रेस से खिताब के बाद यूक्रेन के लिए मजीद 80 करोड़ डॉलर्स की फौजी इमदाद का ऐलान किया। व्हाइट हाउस में बात करते हुए बाइडन ने कहा कि नए इमदादी पैकेज से यूक्रेन को मिलने वाली फौजी इमदाद की मिकदार में जबरदस्त इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि फौजी इमदाद में 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 9000 एंटी आर्म सिस्टम, 7000 छोटे हथियार जैसे शॉटगन्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ साथ ड्रोन्स और दीगर फौजी साजो सामान भी शामिल है। इसके अलावा सदर जो बाइडन ने रूसी सदर प्यूटन को जंगी मुजरिम करार दिया। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ये एक तवील और मुश्किल जंग हो सकती है, लेकिन अमरीकी अवाम की प्यूटन के शहरी आबादियों पर गैर इखलाकी हमलों के मुकाबले में यूक्रेन के लोगों के लिए हिमायत जारी रहेगी। वाजे रहे कि इससे कबल बुध के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी कांग्रेस से वर्चुअल खिताब में अमरीका और इत्तेहादियों से यूक्रेन की फिजाई हदूद को नो फ्लाई जोन बनाने, यूक्रेन की अस्करी इमदाद और रूस पर पाबंदियां बढ़ाने का भी मुतालबा किया था। कोयटा में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद, सूबे में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर तालीम बलूचिस्तान ने कोयटा के तमाम स्कूलों को 2 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम नसीबुल्ला मदी के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे को कोयटा के तमाम स्कूल नागुजेर वजूहात पर बंद रहेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को भी 2 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान किया गया है। इधर महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने आईजी पुलिस कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भेजे गए मरासे में हिदायत की है कि सूबे में सिक्योरिटी इंतजाम पर नजरसानी करके उसे मजीद बेहतर किया जाए। पब्लिक मकामात, तालीमी इदारों और तजारती मराकज में फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। महकमा दाखिला के मुताबिक ये अहकाम सूबे में दहशतगर्दी की नई लहर के पेश नजर दिए गए हैं। रेलवे पुलिस ने भी बलूचिस्तान के रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। रेलवे पुलिस का कहना है कि कोयटा, सभी मच और चमन के रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन आने वाले अपराध की जामा तलाशी दी जाएगी।
रेलवे पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी हालिया दहशतगर्दी की लहर के बायस बढ़ाई गई है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की न्यूज स्टूडियो में, फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।